कंज्यूमर न्यूज़ से फरहान सिद्दीकी। आज मैं मौजूद हूँ इकरा यूनिवर्सिटी वाले रोड पे, जो कि नॉर्थ कराची के अंदर वाक़ है। और यहाँ पर आज दिन सीवरेज का गटर का पानी बहता रहता था और लोगों के कपड़े ख़राब होते थे। हमने इनको ताकीद की थी, 2 महीने पहले भी इसके ऊपर कवरेज करी थी कि ये इस मसले को रिजॉल्व किया जाए, ये जो लीकेज है ये ठीक की जाए। इस लीकेज की वजह से जो इलाके के अंदर जो पानी आता था, उस पानी के अंदर भी ना सीवरेज का गंदा पानी आता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये काम किया जा रहा है और जहाँ जहाँ लीकेज है उन लीकेज को भी बंद किया जाएगा और गड़े जो हैं उनको भी ख़त्म किया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। आइए इनसे बातचीत करें। जी, मेरा नाम मोहसिन नसीर हो रहा है और मैं यूनियन UC1 नॉर्थ नाजमाबाद के चेयरमैन जनाब सैयद सिराज मदर साहब जमात इस्लामी के, उनका मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। और अभी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं 71 और 72 के डिवाइडिंग रोड पे, जो कि यूनिस मस्जिद से रास्ता आ रहा है ऊपर इकरा यूनिवर्सिटी पे जा रहा है। और काफ़ी टाइम से यहाँ पे इकरा यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामी है वो और हमारे कंज्यूमर न्यूज़ के काफ़ी लोगों ने हमें यहाँ पे निशानदेही करवाई थी कि यहाँ पर लीकेज है और पानी यहाँ से ऊपर से बहना शुरू होता है और नीचे तक पानी यहाँ पर जाता है। और यहाँ पे तालबा उस्ताद और यहाँ के रिहायशी जो यहाँ से गुजरते हैं उनको काफ़ी मुश्किल होती हैं और रोड भी काफ़ी ख़राब हो गई है, खड्डे पड़ गए हैं, जबकि अभी करीब में ही रोड डाला गया था। तो इनकी निशानगी पर आज यहाँ पर जमात इस्लामी के चेयरमैन साहब जो है ना यहाँ पे लीकेज बनवा रहे हैं, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और ये सारा सामान जो ख़राब हो गया था जिसकी वजह से लीकेज हो गई थी और यहाँ पर पाइप में सुराख भी हुआ है, तो यहाँ पर जमात इस्लामी के तवसुत से यहाँ पे काम किया जा रहा है। जनवरी से जो है वो मैदान में है और ये लीकेज जो है अरसे दराज से है इकरा यूनिवर्सिटी के ऊपर। इस तरह से दूसरी जगह पे भी बेनता लीकेज है, वाटर बोर्ड की लाइनें छलनी है। और हम बड़ी आजमाइश के अंदर थे कि यहाँ पे तो हज़ारों तलबा जाते हैं और सैकड़ों जो है ना असतज़ा जाते हैं। इकरा यूनिवर्सिटी हमारे लिए एजाज़ है, तो इसमें कंज्यूमर न्यूज़ वालों ने बाकायदा यहाँ पर एक दफ़ा मेरे साथ एक न्यूज़ बनाई और उसमें दरख्वास्त करी कि ये बड़ा अहम मसला है जिधर ये जो है ये होती है लीकेज होती है, उसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। तो मैंने वाटर बोर्ड को कह के थक गया, क्योंकि असल काम वाटर बोर्ड का है लेकिन वाटर बोर्ड ने ये काम नहीं करवाया। जब ये नहीं करवाया तो हमने अपनी मदद आपके तहत कम्युनिटी बेसिस के ऊपर इस काम को करवाने का आगाज़ किया। अल्लाह ने हमारी मदद की है, हमने ये मेजर जो पानी के मसाए ये लीकेज है ये हमने अल्लाह का शुक्र है हल करना शुरू कर दिए। ये तीसरी लीकेज है जिसको हम जो है इस वक्त इसी रोड के ऊपर करवा रहे हैं और आगे भी तकरीबन दर्जन भर रहे हैं ये लीकेज जो हमने काम करवाना है। तो इंशाल्लाह ताला ये सारे काम जो है हम अल्लाह की मदद से करवाएंगे। ये जो खड्डा जो बन हुआ करने का है तो उसको भी करवाएंगे? अलशिफा क्लिनिक के पास है, बिल्कुल मेन अंडा मोड़ पे। नहीं नहीं, वो काम भी होगा, ये जो है वाटर बोर्ड वालों ने वादा किया है। इन्होंने मुझसे नए सिरे से रिक्वेस्टें ली हैं, मैंने यूनियन काउंसिल के लेटर हेड के ऊपर अपनी काउंसिल से दस्तखत करवा के इनको दोबारा जो है ना ये दिए हैं, इसी महीने दिए हैं। और आज भी मेरी वाटर बोर्ड वालों के साथ मीटिंग है, 3 बजे मीटिंग है मेरी, उनका एक्सीएन और AEE अरशद खलील साहब और यहाँ के काशिद साहब, ये सब जो है हम बैठेंगे और इसके ऊपर हम मजीद जो है बात करेंगे कि भाई जल्द से जल्द ये आप कब काम करेंगे, हमें फोकस करें कि कब ये आप हमारा काम करवाएंगे। अंडा मोड़ चौरंगी की मेन जगह है जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दुकानें भी हैं, सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर खड्डा वाटर बोर्ड ने करके छोड़ चुके हैं और आज दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। इसको बंद करने वाला कोई भी नहीं है। अभी शहजाद मदर साहब को भी इस बारे में बोला गया है, देखें आगे क्या इसका रद्दमल होता है।